क्या आपने कभी बटर अपने हाथों से बनाया है? आपने कभी भी यूज़ किया होगा तो मिक्सर और ब्लेंडर। तो आज हम बनाएंगे मक्खन, वो भी सिर्फ हाथों से। तो ये है एकदम चिल्ड क्रीम जो मैंने फ्रीज़र से फ्रिज में रखी थी सिर्फ 1 घंटे के लिए। ये हमें बहुत चिल्ड होनी चाहिए, बिल्कुल ये गर्म नहीं होनी चाहिए ताकि इससे बटर जल्दी बने। तो क्या करना है यहाँ पे, ये जो सब्जी बनाने वाला चम्मच होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो इससे क्या करना है, इस तरीके से मिक्स करते जाना है। पहले बहुत धीरे धीरे मिक्स करना है ताकि इससे जो निकल रही लिक्विड है वो आराम आराम से निकलते जाए। तो उसके बाद आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए, जैसे मिक्सर में हम घुमाते हैं ना उस तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। और आप देखेंगे कि सिर्फ मिक्स करते करते ही इसमें से जो है पानी निकलने लगेगा, दूध निकलने लगेगा और मक्खन सेपरेट होने लगेगा। अगर आप मलाई सीधी गरम करने के लिए रखते हैं घी बनाने के लिए, तो कितनी बड़ी मिस्टेक होती है यहाँ पे ये देख लीजिए, क्योंकि उसमें होता है बहुत सारा दूध या फिर बटर मिल्क हम बोल सकते हैं, तो उसको सेपरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप चम्मच कोई भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो इस तरीके से आपने देखा घुमाते घुमाते इसमें से कितना सारा दूध निकल रहा है ना, तो ये सेपरेट हम करेंगे हाथों से। अगर यहाँ पर हम मिक्सर जार का यूज़ करते हैं ऑब्वियसली उसमें जल्दी हो जाएगा, कोई इशू नहीं, लेकिन जितनी बार आप मक्खन उसमें बनाएंगे आपका मिक्सर का जार ज़रूर ख़राब हो जाएगा। और आप बोलेंगे कि हम ब्लेंडर यूज़ करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, ब्लेंडर को भी आप ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते हैं मक्खन बनाने के लिए, क्योंकि वो एक टाइम पे बहुत हार्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं इसको मैं हाथों से जैसे स्क्वीज़ कर रही हूँ ना, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, पावर लग रहा है और ये बहुत अच्छे से स्क्वीज़ हो रहा है। अगर ये काम आप ब्लेंडर या मिक्सर में करेंगे तो मिक्सर भी ख़राब हो जाएगा और ब्लेंडर भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसको पावर जो मिलती है 800 वैट का हो या कितना भी वैट का हो, आपके हाथों से ज़्यादा पावर उसमें नहीं होती है। तो ये बहुत आसान तरीका है मक्खन निकालने का मलाई से। तो मैं तो हमेशा ही हाथों से ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे मिक्सर 2-3 बार ख़राब हो चुके हैं, ब्लेंडर भी ख़राब हो गया, उसकी स्पीड भी थोड़ा सा कम हो गई है इस वजह से, क्योंकि मैंने मक्खन उसमें से बनाया था। लेकिन क्या आप इसके बाद करेंगे ब्लेंडर और मिक्सर का यूज़? आपने ही हाथों से बनाइए और अपने हाथों से ये देखिए कितना सारा लिक्विड अपने आप आराम आराम से निकल जाता है। इतना लिक्विड तो ब्लेंडर से निकल जाएगा, बट ब्लेंडर और मिक्सर ज़रूर ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही कम बर्तन खराब करते हुए हमने यहाँ पे बना लिया है मक्खन हाथों से। तो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रेसिपीज़ मेरे प्रेटी किचन पे आते रहते हैं। फेस्टिवल सीज़न है तो घी निकालना है, बटर भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें बनानी है। मेरे चैनल पे बहुत सारे फेस्टिवल के स्वीट्स अभी रेडी है, आप देखना ज़रूर भूलिए नहीं और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे और यूज़फुल रेसिपीज़ के साथ। तो ये देखिए मेरा मक्खन रेडी है, अब मैं इसका बनाऊंगी घी। आपने इससे पहले मेरा रेसिपी देखा होगा कि मैंने इसमें से खोया कैसे बनाया है। तो बने रहिए प्रेटी किचन पे, सब्सक्राइब करिए और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।